नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मनीष कश्यप ने जब से बिहार पुलिस के सामने सरेंडर किया है, तब से लगातार उनके समर्थकों की जो संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही जिस थाने में मनीष कश्यप ने सरेंडर किया है, तो वहां पर उनके समर्थकों की भीड़ भी देखी गई है। वहां पर काफी ज्यादा उनके समर्थकों की भीड़ है, जो कि लगातार मनीष कश्यप जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और इसी के साथ बार बार ये सवाल बिहार सरकार और बिहार पुलिस से पूछ रहे हैं कि आखिर मनीष कश्यप का कसूर क्या है? क्या सच के लिए आवाज उठाना और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना उनका जुर्म है, जिसकी वजह से आज उनके खिलाफ इतने सारे केसेस दर्ज किए गए हैं। तो वहीं लगातार ट्विटर पर अगर नजर डाले तो ट्विटर पर भी इस वक्त मनीष कश्यप जो है वो ट्रेंडिंग कर रहे हैं। लोग ट्विटर पर भी लगातार मनीष कश्यप के समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं और मनीष कश्यप के समर्थन में होने की बात कर रहे हैं। बता दें कि तमाम लोगों ने अपने अपने रिएक्शन दिए हैं और इस बीच कई लोगों ने पोस्ट करते हुए मनीष कश्यप के समर्थन में कई सारे बयान दिए हैं। बता दें कि मिस्टर सिन्हा नाम के एक ट्विटर यूजर हैं, ये लिखते हैं कि बिहार में इस वक्त क्या हो रहा है, लगातार युवाओं को तेजस्वी और नीतीश जो है वो ट्वीट करने के लिए परेशान कर रहे हैं, इस तरीके से उन्हें धमका रहे हैं, क्या वो चाहते हैं और इस तरीके से करके वो स्टालिन को क्या खुश करना चाहते हैं, और यंगस्टर्स के साथ ऐसा रवैया किया जा रहा है जैसा कि किसी क्रिमिनल के साथ किया जाता है। तो वहीं उन्होंने बीजेपी बिहार से ये सवाल किया है कि आखिर बीजेपी बिहार किसका इंतजार कर रही है, वो सड़कों पर बिहार के युवाओं के समर्थन में क्यों नहीं उतरती, उनके सपोर्ट में क्यों नहीं उतर रही है। इसी के साथ ही एक ट्विटर यूजर लिखते हैं, सरकार से सवाल पूछने और आईना दिखाने का अंजाम बिहार याद रखेगा। जिस समाज को सड़े हुए सिस्टम में रहने की आदत हो गई हो, उसको कभी सुधारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ ही एक अन्य ट्विटर यूजर आकाश शाह हैं, वो लिखते हैं कि आई स्टैंड विद मनीष कश्यप। मनीष भैया सभी रिश्वतखोर, भ्रष्ट नेता और हरामखोरों की धोती खोल रहा था, इसलिए उन्हें झूठे केस में अंदर कर दिया गया है। साथ ही एक आदित्य कुमार नाम के ट्विटर यूजर हैं, लिखते हैं खुश हो जाइए, बिहार के लोग फिर से आज एक कलम और मजबूत आवाज को कैद कर लिया गया है। आखिरकार सरेंडर करने को बिहार पुलिस ने ही लाचार कर दिया। घर कुर्की करने पहुंच गई थी पुलिस, अब कहने को ज्यादा कुछ बचा नहीं होगा। तो वही दूसरी ओर लगातार ट्विटर यूजर और जो मनीष कश्यप के समर्थक हैं, इस बात पर भी पुलिस का मजाक उड़ा रहे हैं कि इतनी सहूलियत पुलिस को मिलने के बावजूद उन्होंने मनीष कश्यप को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि मनीष कश्यप ने खुद सरेंडर किया है। यानी कि पुलिस जो है वो लगातार कई जिलों में उन्होंने दबिश दी थी, चाहे बात हम बिहार की करें, दिल्ली करें, हरियाणा करें, तमाम स्टेट में बिहार पुलिस पहुंची थी मनीष कश्यप की गिरफ्तारी करने के लिए, लेकिन गिरफ्तारी बिहार पुलिस नहीं कर पाई। और खुद जब बिहार की पुलिस उनके घर को जब्त करने के लिए पहुंची, तब मनीष कश्यप ने सरेंडर किया है। तो इस चीज को लेकर के लोग उनके साथ और भी ज्यादा समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि बिहार पुलिस खुद ब खुद अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मनीष कश्यप खुद आगे आए हैं और खुद उन्होंने सरेंडर किया है। इसी के साथ ही ध्रुव नारायण झा नाम के एक ट्विटर यूजर हैं, लिखते हैं कि आखिरकार बिहार सरकार और बिहार पुलिस ने एक बड़े आतंकवादी को पकड़ ही लिया। बिहार सरकार हाय हाय, मनीष कश्यप हम तुम्हारे साथ हैं, मनीष कश्यप को रिहा करो, बिहार सरकार हाय हाय। ये सीधे तौर पर तंज कस रहे हैं और इनका कहना है कि पुलिस ऐसे बिहेव कर रही है किसी बड़े आतंकवादी को उन्होंने गिरफ्तार किया हो। साथ ही संतोष कुमार नाम के एक ट्विटर यूजर हैं, लिखते हैं शेर है मनीष कश्यप, ज्यादा दिन नहीं रख पाएगी बिहार पुलिस। अन्य ट्विटर यूजर लिखते हैं कि आज जो मनीष कश्यप के साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ हो सकता है। जो लोग लगातार बिहार के महागठबंधन सरकार के पक्ष में बोलते हुए नजर आते हैं, भले ही बिहार सरकार कितना भी गलत करती हो, तो ये उन पत्रकारों के साथ भी हो सकता है, ये इनका कहना है।
इसी के साथ ही तमाम लोग जो है लगातार इसी बात को लेकर के बिहार पुलिस और बिहार सरकार पर निशाना साध रही है कि मनीष कश्यप ने सरेंडर किया है, ना कि उनकी गिरफ्तारी की गई है। बता दें कि उत्कर्ष सिंह नाम के एक यूजर लिखते हैं, तमिलनाडु मामले में बिहार पुलिस बस FIR करती रह गई। मनीष कश्यप दिल्ली से मुंबई और MP से हरियाणा घूमते रहा। बिहार पुलिस की 6 टीमें तलाश कर रही थी, फिर भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई और आज इसने सरेंडर किया है। वहीं लगातार मनीष कश्यप की जब से सरेंडर की खबर सामने आई है, तब से लगातार उनके जो समर्थक हैं वो बिहार के उस थाने में पहुंच चुके हैं जहां मनीष कश्यप इस वक्त हिरासत में हैं। वहां पर लगातार तमाम मनीष कश्यप के समर्थकों की भीड़ इकट्ठी हुई है और लोग लगातार वहां पर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में वो वीडियो जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कितनी ज़्यादा तादाद में वहाँ पर समर्थकों की भीड़ इकट्ठी है और वो नारेबाजी कर रही है। और इसी के साथ ही बार बार ये उनके द्वारा कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप को झूठे केस में फंसाया गया है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, बिहार सरकार की पोल खोल रहे थे और लगातार डेवलपमेंट के नाम पर जो बेवकूफ बिहार सरकार जनता को बना रही है, तो इन तमाम चीजों का भंडाफोड़ उनके द्वारा किया जा रहा था, जिसकी वजह से बिहार सरकार के लिए ये सिरदर्दी हो गए थे और इस वजह से उन्हें अब सरेंडर करने को मजबूर कर दिया गया। बता दें कि इससे पहले उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया, साथ ही बेतिया पुलिस उनके घर को जब्त करने के लिए पहुंची थी। जब मनीष कश्यप ने सरेंडर कर दिया तो हालांकि बिहार पुलिस ने जब्ती का काम बीच में ही छोड़ दिया है। बता दें कि जो मामला है वो दरअसल ये है कि तमिलनाडु में बिहार प्रवासी मजदूरों को परेशान किया जा रहा है और इस वीडियो को शेयर किया गया था उनके द्वारा, और ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो वीडियो मनीष कश्यप के द्वारा शेयर किया गया है वो फेक है और इसकी जांच की गई है। और इस दम पे मनीष कश्यप पर ये आरोप लगे हैं और लगातार अगर देखें तमिलनाडु से बिहार तक के तो टोटल 7 केस मनीष कश्यप के ऊपर दर्ज किए गए हैं और लगातार ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर जो लोग हैं उनका ये कहना है कि लगातार बिहार के जो प्रवासी मजदूर हैं उनके साथ स्थिति ऐसी है, लेकिन जो तेजस्वी यादव है, नीतीश कुमार है, वो MK स्टालिन को खुश करना चाहते हैं ताकि विपक्ष को मिला करके सरकार बनाई जा सके, 2024 में चुनाव लड़ा जा सके। उनको खुश करने के लिए इस तरीके की राजनीति की जा रही है और एक सच्ची आवाज़ उठाने वाले बुलंद पत्रकार की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है और उन पर झूठे केसेस लगाए जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।